नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 7 अक्टूबर और साथियों इस वीडियो में शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण अपडेट से। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट अति आवश्यक 7 अक्टूबर जो कि आज का प्रेस नोट। पुलिस अधीक्षक जिला पाली, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर की विज्ञप्ति संख्या 33/6 दिनांक 3/8/23 और संशोधित विज्ञप्ति संख्या 4/8/23 द्वारा जिला पाली में कॉन्स्टेबल भर्ती यहाँ पर सामान्य के 82 और टीएसपी के 29, कॉन्स्टेबल चालक में टीएसपी के 2 और कॉन्स्टेबल बैंड नॉन टीएसपी में 11 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रथम चरण की आयोजित शारीरिक मापतोल और दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा, तो उनके रिजल्ट को लेकर के अपडेट आप देख सकते हैं। उनका रिजल्ट जारी हो चुका है, अतः सभी चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ सूचित किया गया कि भर्ती प्रक्रिया के अग्रिम चरण दस्तावेज सत्यापन अथवा चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण है, तो आपने मूल दस्तावेज और स्वयं द्वारा प्रमाणित 2-2 छाया प्रत्याशी से दिनांक 14 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे रिजर्व पुलिस लाइन पाली में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। और उसके लिए क्या क्या चाहिए वहां आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है आपके शैक्षिक प्रशासनिक और जो भी प्रमाण पत्र है उनको लेकर के। इन सभी आदेशों की पीडीएफ और सूचना आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट इसमें। और इसके बाद में ये लिस्ट नॉन टीएसपी कॉन्स्टेबल जनरल डिस्ट्रिक्ट पाली, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, ये नॉन टीएसपी डिस्ट्रिक्ट पाली कॉन्स्टेबल बैंड की और कॉन्स्टेबल जनरल टीएसपी की लिस्ट। अगली खबर है यहाँ पर राजस्थान सरकार वित्त विभाग की ओर से स्पष्टीकरण, 7 अक्टूबर में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 26C के नीचे तथा नियम 26D अत्यावश्यक अस्थायी आधार UTB पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध में विभाग के संक्षिप्त अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2024 के द्वारा जोड़ा गया और वित्त विभाग के संज्ञान में आएगी। कतिपय विभाग द्वारा सीधी भर्ती से प्रोफेशनल ट्रेनी के रूप में कर्मचारियों को प्रोफेशनल ट्रेनी अवधि में देय पारिश्रमिक को अधिसूचना दिनांक 30/8/24 में वर्णित दरों के अनुसार संशोधित कर दिया गया, जबकि पारिश्रमिक दरें अत्यावश्यक अस्थायी आधार नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को ही दे हैं। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के अनुसूची 4 में वर्णित दर पर नियत पारिश्रमिक दे हैं अथवा अनुसूची 4 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। प्रोफेशनल ट्रेनी को दे नीत पारिश्रमिक को अधिसूचना दिनांक 30/8/24 में वर्णित दरों पर नियम विरुद्ध संशोधन के संबंध में की गई कार्रवाई को अविलंब प्रत्याहृत किया जाए और नियम विरुद्ध की गई कार्रवाई के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर की गई कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको लेकर के। अगली खबर है यहाँ पर उपेन्द्र यादव का आज का बड़ा बयान, रेट चॉइस की विज्ञप्ति जल्द जारी हो इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात ये करेंगे और नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड डीपीसी होने के बाद ज्यादा से ज्यादा पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। जैसे सरकार ने 60,000 पदों पर भर्ती घोषणा की है जिसमें वाहन चालक सफाई भर्ती यहाँ पर भी होगी। इसके अलावा अगले अपडेट में व्याख्याता पद पर 4 साल से प्रमोशन नहीं, प्रदेश में 20,000 की पद खाली, यहाँ पर 7,000 स्कूलों में पद खाली, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यहाँ पर प्रदेश के 17,000 से अधिक स्कूलों में व्याख्याता के 20,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, इन पर 4 साल से पदोन्नति नहीं है और पद खाली होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक संगठनों ने व्याख्याता पद पर 4 साल से लंबी डीपीसी जल्द से जल्द करने की मांग की है। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि व्याख्याता पद पर 20, 21, 22, 23 और 23, 24 और 24, 25 की नियमित डीपीसी बाकी है। डीपीसी के लिए वैधता सूची जारी कर आपत्ति ले ली गई थी, विभाग में चर्चा की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दी गई और डीपीसी की तिथि तय होनी है। उन्होंने मांग की आरपीएससी डीपीसी की तिथि तय करे और बैठक आयोजित करे ताकि व्याख्याता पद इंतजार कर रहे शिक्षकों को यहाँ पर राहत मिल सके। और यहाँ पर आज की और अपडेट है, सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में आज प्रदर्शन, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 859 पदों पर निकाला विज्ञापन, एसओजी ने पकड़े बड़ी संख्या में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, उसके बाद प्रदेश के जो है युवा इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री उनको लेकर के यहाँ पर अपडेट है। और यहाँ इस कार्य तो विभिन्न स्क्रीन नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, आप नोडल अधिकारी का कार विद्यालय का प्रकार अधिकारी का नाम यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद में अगले अपडेट्स, शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह जो है सचिवालय पहुंचे हैं, सचिवालय में ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर के गठित कमेटी की बैठक,
शामिल होने पहुंचे हैं। तो साथियों ये थी आज की इस समय की महत्वपूर्ण अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।